शक्तिशाली और अभिमानी राक्षस राजा रावण अपनी अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लंका के राज्य को लोहे की नींद से नियंत्रित करता था। हालांकि अपनी अदृश्य इच्छाओं और अहंकार से रावण अक्सर व्याप्त हो जाता था। एक दिन अपने अभिमान और शक्ति के प्रेरणा से रावण ने महादेव भगवान शिव को चुनौती देने का निर्णय किया। उन्हें सभी में अधिक महान मानते थे, भले ही यह देवी देवताओं में शामिल हो। अपने अहंकार के बादशाह के रूप में रावण ने अपनी सर्वोच्चता को साबित करने का प्रयास किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर महादेव भगवान शिव को ध्यान में लगे हुए पाया। रावण को भगवान की असहज शांति देखकर भी उसने शिव को आघात पहुंचाने का निश्चय किया। अपनी क्षमता को दिखाने के लिए रावण ने कोशिश की कि वह कैलाश पर्वत को उखाड़ ले, लेकिन चाहे वह जितनी भी कोशिश करे, पर्वत स्थिर रहा। रावण के अनेक प्रयासों से भी वह जरा सा भी नहीं हिला। रावण की अहंकार और अज्ञान देखते हुए महादेव ने रावण को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। अपने पैर के एक अंगूठे से छूटे ही महादेव ने पृथ्वी को हिलाया, जिससे पृथ्वीलिंग के रूप में शिवलिंग उत्पन्न हुआ। अपने अज्ञान की पहचान करते हुए रावण ने महादेव की सामर्थ्य को माना और उनसे माफी मांगी। महादेव ने उसे धर्मात्मा बनने की व्याख्या की और उसे शिवलिंग की उपासना करने की सलाह दी। रावण ने उसे लंका में स्थापित किया, जहां उसने उसे पूजनीयता के साथ पूजा की। इस प्रकार रावण और शिवलिंग की कहानी हमें विनम्रता, भक्ति और दिव्य की अद्वितीय क्षमता का महत्व सिखाती है, जो न्याय के पथ से भटक गए हों। अगर आप महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।